समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोहिया पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने शुक्रवार को लखनऊ में जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोके जाने के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को कल ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सरकार कह रही है कि आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि जानवर हैं, लेकिन जानवर तो हर जगह है। अखिलेश यादव ने आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं। सर, आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुँच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये देश सबका है, देश का संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन ये लोग सब कुछ पलटना चाहते हैं। जेपी नारायण की जयंती के बाद शुरू हुए विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, लखनऊ।